फीसद जो है बेरोजगारी है। बलोचिस्तान के ये हमारे नौजवान, हमारे ये शहजादे जो तालीम से महरूम हुए, यूनिवर्सिटियों से महरूम हुए, इनको अच्छी तरबियत फराम की गई नहीं की गई, इनको अच्छी सनतें नहीं दी गई, इनको अच्छे रोजगार नहीं दिए गए, लेकिन ये अपने हाथों अपनी मेहनत से सारी सारी रात ईरान के बॉर्डर से लेकर पूरे बलोचिस्तान में यहाँ पर छोटे मोटे कारोबार करते हैं, अपने और अपने खानदानों का गुजर बसर करते हैं। हुकूमत वक्त अगर लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन किसी भी हुकूमत को इजाजत नहीं है कि वो लोगों का रोजगार उनसे छीने। जब तक बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जिंदा है, जब तक बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का एक कारकुन जिंदा है, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ हम सीसा फिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होंगे। हम बलोचिस्तान के हम तेल के कारोबार की बहाली चाहते हैं। अगर करतारपुर में जो है कॉरिडोर बन सकता है सिख यात्रियों के लिए, तो हमारे लिए तेल का कॉरिडोर क्यों नहीं बन सकता? आप एक कॉरिडोर बनाएं, आप जूशक में बनाएं, पंजूर में बनाएं, तुरबत में बनाएं, और जो भी गाड़ी वहां पर जाती है आप उससे उसको रेगुलेट करें। जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि इस मेन हाईवे पे सैकड़ों चेक पोस्टों की बजाय आप उसी कॉरिडोर में से जो भी गाड़ी आए उस पे एक छोटी सी मखसूस टैक्स लगाकर उससे तेल के पैसे ले लें, और उसके बाद उनको इजाजत दे दें कि वो पूरे बलोचिस्तान में जहां भी जाएं वो ये तेल की सप्लाई कानूनी तरीके से करें। क्योंकि पाकिस्तान में जो तेल की कीमत है उसको एक गरीब बलोच, एक गरीब पश्तून बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक पेट्रोल है, इतना बड़ा वसीउ अरीज इलाका है, हमें एक फातिहा के लिए 200-200 किलोमीटर एक गरीब बलोच को जाना पड़ता है, एक गरीब पश्तून को जाना पड़ता है, वो कहां आपके 125 रुपए लीटर वाले तेल को बर्दाश्त कर सकता है? उसको छोड़े, ये खुदा की जमीन, ये खुदा की दौलत उनको दी गई थी, आपने आज उनको भूख पर मोहताज किया है। आप उनको अच्छी सस्ती तेल के लिए भी आप बर्दाश्त नहीं करते कि वो अच्छी सस्ती तेल इस्तेमाल करें। इसी तेल के बदौलत ये सारा बाजार, ये सारी दुकानें, होटलें, दफातर, घर, ये सारे लोगों की मुलाजमतें इसी से चलती हैं। 10 लाख के करीब बलोचिस्तान के गरीब लोगों का गुजर बसर इसी तेल पे होता है। हराम से लेकर मकुरान तक, जीवनी तक और शोप से लेकर चमन तक कोई ऐसा घर नहीं जो इसी तेल के कारोबार पर अपनी जिंदगी को रवान दवा जारी रखे हुए। लहजा हुकूमत इन गरीब लोगों को, मंजूर बलोच और उसके साथियों को, बेरोजगारों को दो रात बंद करने के बाद ये न समझे कि बेरोजगार एसोसिएशन की या हमारे बलोचिस्तान के बेरोजगारों की तहरीक खत्म हुई है। मैं तमाम बेरोजगारों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि ये बेरोजगार सिर्फ ये जद्दोजहद सिर्फ तेल वालों के लिए नहीं है, बलोचिस्तान के तालीम याफ्ता नौजवानों को अपने ये गरीब, ये कम तालीम याफ्ता मजदूरों की जद्दोजहद का साथ देना होगा, ताकि कल ये जो है ये हमारे नौजवानों का साथ दे सके। एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ बलोचिस्तान में बेरोजगारी एक देव बन गया है, एक जिन बन गया है, एक अजदिया बन गया है। बेरोजगारी के हाथों खुदकुशियां हो रही है, बेरोजगारियों के हाथों भाई भाई को मारने पर मजबूर हो गया है, बेरोजगारी के हाथों घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, बेरोजगारों के हाथों लोगों की जो है मरीज जो है वो बगैर अद्वियात के मर रहे हैं। 3000 सिर्फ मुलाजमतें पीएसडीपी में है, और मैं ये बताऊं कि इस पीएसडीपी में 30 अरब रुपए जाली की बात है। जो लोग इलेक्शन में आ गए उन हारे हुए लोगों के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं जो मुख्तलिफ तरीके से निकाल कर खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने इस इत्तेहाद को, अपने इस जद्दोजहद को बरकरार रखें। इसमें और तब से पश्तो खबर दियो कि इसमें हमसे ज्यादा चर्चिस वोट बुलाड़ी वाला वोट का नाम है ना कि जो के खल्क बाई दी चिपोसी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी दुदी जी दी तर्जमान दी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी तबलोस पश्ताना कुक निगेबान दी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी।